अकाल मूर्त अजूनी शैभंगुर प्रसाद सच है भी सच नानक संत सहार सदा पिखियता तास चरण ले हृदय बसावो तौ परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर शब्द निवारण सुरत सरे गावे गंभीर धीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावे इंद्राद भगत प्रहलाद आत्म रस जेह जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। प्रभु परमेश्वर दीनबंधु दीनानाथ अखंड ज्योति स्वरूप परिपूर्ण परमात्म स्वरूप साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पवित्र पावन हजूरी विच साहिब सतगुरु गुरु नानक पातशाह दे 551वें आगमन पुरब दे संबंध विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सात संगत रसना पवित्र करो उचारो सतनाम फिर उचारो सतनाम उचारण करो सतनाम गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज का संसार दे विच आगमन होना प्रभु परमेश्वर अकाल पुरख वाहेगुरु नारायण का साक्षात प्रकट होना है। आप नारायण कलाधार जग में परवरियो परमेश्वर आप अवतरित हो किसी भी ईश्वरी शक्ति का संसार दे विच प्रादुर्भाव कदम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक गल कही श्रीमद भगवत गीता दे विच यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जदों जदों संसार विच धर्म की हानि होंदी है अधर्म का बोलबाला हो जाता है सतपुरुष जिहड़े हन उह जिंदगी विच उहनां दे संकट आ जांदे हन। तनजल पे आता है धर्म जिस वक्त धर्म आके करता है बाजार गर्म यह अंधेर जब देख पाता हूं मैं तो इंसान की सूरत में आता हूं मैं। परमेश्वर कर दे की हन भलों को बुरों से बचाता हूं मैं बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं आया हो के युग युग में आता हूं मैं। गुरु नानक देव महाराज के संदर्भ दे विच एक विचार ही आया कि आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। एक विचार ऐसा आया सुनी पुकार दातार प्रभ परमेश्वर ने धरती मां की पुकार सुनी उस वेले जनता त्राहेमान त्राहेमान कर रही सी सच का बोलबाला नहीं सी झूठ का बोलबाला सी। धर्म पंख कर उड़ने वाली अवस्था सी कूण रूपी अमस्या की रात सी सच रूपी चंद्रमा कितने नजर नहीं सी आता कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया। अजिही अवस्था विच सतगुरु गुरु नानक देव महाराज का इस संसार दे विच आगमन होया। पिता कल्याण चंद गृह विखे माता तृप्ता दी कुख तों उस वेले माता तृप्ता दी सेवा विच लगी
दौलता माई जिहड़ी अक्सर पिता कल्याण चंद नूं इह कहिंदी सी कि जे तुहाडे घर पुत्तर होया ते मैं मूंह मंगी मुराद तुहाडे कोल लवांगी, मूंह मंगिया इनाम लवांगी। पर अज जदों सतगुरु गुरु नानक देव महाराज दा अवतरण होया माता तृप्ता दी कुख तों ते इस दीआं अखां चुंधिया गईआं, ऐसा अलौकिक नूर, ऐसा दिव्य प्रकाश जिस प्रकाश को वेख के यह सहन न कर सकी, दौड़ी दौड़ी बाहर गई। पिता कल्याण चंद आवाज मारन लगे, गल ते सुन, कहन लगी मैं रजी मैं त्रिपत हो गई। माता त्रिपता दी भी त्रिपति हो गई ते दौलता माई जिहड़ी सेवा विच सी ओह बोलन लग पई मैं रजी। गुरु नानक देव महाराज का नाम रखा गया, अपने इतिहास श्रवण किया है। पंडित हरदयाल ने आके नाम रखा नानक, इसका अर्थ विद्वान जिन्होंने किया जिसके समान होर दूसरा कोई नहीं, न अन अप, इसके समान दूसरा होर कोई नहीं, न भूतो न भविष्य, ना होया न होएगा। गुरु नानक ते आप परमेश्वर का रूप हन। सतगुरु गुरु नानक पातशाह वड्डे होए, 7 साल दी उन्हां दी उम्र। पिता कल्याण चंद ने सोचा गोपाल पांधे दे पास भेजिया जाए पढ़न वास्ते। माता पिता दे मन विच इक सदर हुंदी है कि बच्चा चंगा पढ़ जाए। अजोके युग विच भी असीं वेखदे हां चंगा स्कूल होए, चंगा माहौल होए जिथे माता पिता आश्वस्त हो सकन, उस वेले गोपाल पांधा उपाध्याय गोत तो सी गोपाल पांधा इसदे पास भेजिया। इसने वर्णमाला लिख दिती। गुरु नानक देव महाराज ने वर्णमाला वेखी और बोल उठे, सस्य सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक रहा। पहला अखर से ससा, उस वेले उस क्रम के अनुसार गुरुमुखी के अखर के बाद विच तां गुरु अंगद देव महाराज ने बनाए उड़ाड़ा एड़ी ससा। उस वेले कैसी भाषा सी, लिपि केड़ी सी, बोली केड़ी सी, पर ससा अखर सी। पर गुरु नानक देव महाराज ने ये लिखिया, ये कहा, पहली बाणी 7 साल की उम्र के विच गुरु नानक देव महाराज ने रचना की थी, जिसका नाम पट्टी है। और वचन की है, ससै सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक रहा। ससे का अंतरी भाव की है गुरु नानक देव महाराज दस रहे हैं। ओ परिपूर्ण परमात्मा हुआ, अकाल पुरख हुआ है गुरु, सोई दिहाई है जिगड़े। उस परिपूर्ण परमात्मा की आराधना करिए जिहड़ा पातशाहां दा पातशाह है। सतगुरु कहने लगे, सस्य सोए ओ परिपूर्ण परमात्मा जिसने इस सृष्टि की सिरजना की है, ओ सारे जीवों का साहेब है, संसार का मालिक है। इस संसार की उत्पत्ति और इस संसार के संचालन और इस संसार के संहारण की शक्ति उस परिपूर्ण परमात्मा के पास है। उसने सृष्टि की सिरजना की है। गुरु नानक देव महाराज ने एक प्रश्न उठाया जप जी साहब के विच, गुरु ग्रंथ साहब की संपादना कर लगे हैं। धन गुरु अर्जुन देव महाराज ने जप जी साहब को सब तो पहला स्थान दिता। उस दे विच उस परिपूर्ण परमात्मा की वडियाई की गई। मूल मंत्र दे विच ही गुरु नानक देव महाराज ने कहा, इको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं
गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो परिपूर्ण परमात्मा एक है, नाम उसका सत है, वो सदीवी सत है। सत के अर्थ भी दो हैं, एक है सच का वाचक है सत, तो दूसरा है विद्वानता तो जिसकी विद्वानता अगे चल के कहा ना आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। आद्यौ सत सृष्टि प्रारंभे अपि सत सृष्टि मध्ये अपि सत सृष्टि अंते अपि सत। जिस वेले अजे सृष्टि बनी नहीं सी उस वेले भी वह सत सी, उस वेले सृष्टि उस रूप विच सी नर्मद अर्बद नर्मद धुंधुकार कुछ भी नहीं सी, ना हवा सी ना पानी सी, प्रकृति का भी कोई स्वरूप नहीं सी। गुरु नानक देव महाराज ने अपनी बाणी विच एक ऐसा चिंतन किया उस परिपूर्ण परमात्मा का कि उस परमेश्वर का एक संकल्प होया। शास्त्र विच भी ऐसा वचन आया एको हम बहुश्याम प्रजाई मैं एक तो अनेक हो जावा। गुरु नानक देव महाराज कहने लगे कीता पसाओ एको कमाओ तिसते होए लख दरियाओ। ये पानी के स्रोत के रूप में दरिया हैं, नदियां नाले हैं, ये उस परमेश्वर की एक संकल्पना के नाल ही यह सारी सृष्टि का स्वरूप बनिया है, प्रकृति का स्वरूप बनिया है। परमेश्वर का एक संकल्प होया, उसने अपनी सृजना की, फिर दूजी कुदरत की साजना की। आसा दीवार की एक पौड़ी में सतगुरु कहन लगे आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आपको तुस देव कर पसाओ तू जानो ई सब सह दे ले सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ। गुरु नानक देव महाराज ने 7 साल की उम्र दे विच उस परिपूर्ण परमात्मा की गल करदी होई कहे कई उस परिपूर्ण परमात्मा ने जिसने सृष्टि की सिरजना की थी। सस्या सोए श्रेष्ठ जिन सजी सबना साहेब एक रहा सेवक सेव जिनका चित लागा आया दिन का सफल पया। वो परमेश्वर दे प्यारे वो रब दे प्यारे जिन्होंने उस परिपूर्ण परमात्मा की आराधना की परमेश्वर का नाम जपया उन्होंने आना सफल हो गया। और गुरु नानक देव महाराज ने गोपाल पांधे ने 35 अखरी लिख के दी सी। गुरु नानक देव महाराज ने एक एक का अगे चल के वर्णन किया और सब तो पहले जी गल की उस परिपूर्ण परमात्मा की गल की। वो परमेश्वर जिहड़ा एक है नाम जिसका सच है वो इस सृष्टि के रचनहारा है। वो पह तो रहता है वह वैर तो रहता है उसका किसी के नाल वैर नहीं विरोध नहीं। वो परमेश्वर न्याप्रिय है। जे किसी नाल वैर विरोध नहीं तो संसार में कोई सुखी क्यों है कोई दुखी क्यों है। इस संसार में जीव अपने कर्मा दे सदका बनी प्रारब्ध भोगन भोगन लिए आता है, प्रारब्ध का भोगन लिए आता है। तो परमेश्वर न्याय प्रिय है उसका किसी नाल वैर नहीं। बचन आया तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, परमेश्वर तो निर्वैर है तू निर्भव है। ते जिन्होंने उस निर्भव परमात्मा की आराधना की उन्होंने जीवन में भी कोई भय नहीं रहा कोई डर नहीं रहा। जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिनका भव सब गवासी। जिन्होंने जीवन में जिन्होंने अपने जीवन में उस परिपूर्ण परमात्मा की आराधना की जिहड़ा निर्भव है उन्होंने भी मन दे विच कोई भी भय है वो दूर हो गया। मन की कोई भी आशंका है वो निश्चिंतता की अवस्था विच आ गए। भय किस गल का है ये किवें होएगा किस तरह होएगा होएगा नहीं होएगा एक आशंका बनी हुई है। हर मनुख के मन विच एक भय बनिया होया है हर वेले भय बनिया होया है। जे सब कुछ है परमेश्वर की कृपा है जे नहीं है तो इस गल की चिंता है किवें होएगा ते जे है तो ये बनिया रहे
ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੌਰ ਹੈ ਹੀ ਐਸਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਤੀ 2019 ਤੱਕ ਕੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆਏਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹਨ। ਬਸ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਰਾਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਜੁਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਅਜੋਨੀ ਸੈਭੰ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵੈਭੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਮਾਏ ਨਾ ਬਾਪੋ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭਾਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਸੀ ਸੁਨੇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੱਖੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਗਾਧ ਮੂਰਤ ਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਨਤਾ ਮੰਨੀ ਕਿ ਸੰਤ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾ ਔਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚ ਇੱਕ ਸਰਨਾ, ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇ ਨ ਜੇ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ, ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਵੈ, ਦੇਹ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰ ਉਧਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ 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 ਸੰਤਰੇਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਅਪਰਮ ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਇਆਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਪ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਪੋ ਕੀ ਜਪੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਆਪ ਸੌ ਗਏ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਥਾਂ ਛਾਂ ਹੇਠ ਪਰ ਛਾਂ ਵੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੱਝੀਆਂ ਖੇਤ ਚ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਉਹ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਸਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਮਾਨੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਆਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਏ ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਨ ਸਨ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਦਾਨ ਕਾਲੀ ਕੋ ਦੀਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਮਨ ਭਾਇਓ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਬਾਮਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਦੋ ਪੱਗ ਭੂਮੀ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਗ ਭੂਮੀ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਬਾਮਨ ਭਗਵਾਨ ਤ੍ਰੇਤਾ ਹਿੱਤਾ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਏ ਦੁਆਪੁਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਵਰਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਤਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ
और गुरु नानक देव महाराज ने ऐसी लंगर की प्रथा चलाई जिसनों अगे चल के धन गुरु अमरदास महाराज ने एक चंगा स्वरूप दिता और अगे चल के कहा कि पहले पंगत फिर संगत। गुरु नानक देव महाराज ने साधुआ नु भोजन कराया, फिर 14 साल की उम्र विच सतगुरु गुरु नानक पातशाह का विआह होया। बीबी सुलखना सुपुत्री चौने खतरी दी और गुरु नानक देव महाराज अजे विआह दे कुछ समय बीतिया सी। उस दे पास उस दे बाद सुल्तानपुर तो भैन दे जीजे ने उतों दे नवाब नाल गलबात करके के इस तरह गुरु नानक नूं नानक नूं किसे कारोबार ते लगाउणा है। भाइया जयराम गुरु नानक देव महाराज नूं ले आए ते माता सुलखनी उस वेले कहण कि माता सुलखना दा जीवन बड़ा संघर्षमई है। व्याह होया ते गुरु नानक देव महाराज तलवंडी छड़ के थोड़े दिन के बाद सुल्तानपुर आ गए कम कार लई। सुलखनी उस वेले कहण लगी कि मैं भी तुहाडे नाल चलदी आ ते गुरु नानक देव महाराज कहण लगे अजे ते मेरा अपना कोई कारोबार नहीं, जदों मेरा कोई कारोबार बन जाएगा मैं ते बुला लवांगा। और माता सुलखना तलवंडी विखे गुरु नानक देव महाराज सुल्तानपुर आ गए कुछ समय के बाद बुलाया। सुल्तानपुर विखे गुरु नानक देव महाराज के घर दो संतानां होईयां, धन धन बाबा श्री चंद महाराज और बाबा लखमी दास। गुरु नानक देव महाराज का विआह 14 साल की उम्र में होया सी और 11 साल के बाद 25 साल की जो उम्र सी उस वेले बाबा श्री चंद महाराज का जन्म होया गुरु नानक देव महाराज के घर। रहो विचार विच गुरु नानक देव महाराज नवाब दौलत खान का मोदी खाना चलाते मोदी दे रूप दे विच संसार के लोगों नूं संसार दीआं दातां वंडदे, अपने पास भी जो उन्हां दे पास होंदा उस दे बदले भी लोगों विच बहुत कुछ वंड दिंदे। ऐसा इतिहास विच मैं रात पढ़ रहा सां, पुरातन जन्म साखियां दे विच ऐसा विचार आया। जदों गुरु नानक देव महाराज के घर पहली संतान हुई, बाबा श्री चंद महाराज का जन्म होया, उस वेले गुरु नानक देव महाराज मोदी खाने विखे बैठ के वो अपनी किरत कर रहे सन। सुनेहा मिलिया, जदों सुनेहा मिलिया तो मन में तलवार की भावना बनी। उस अकाल पुरख के नाल उस वाहेगुरु के नाल गुरु नानक देव महाराज ने अपनी लिब न जोड़िया और ऐसी लिब जुड़ी कि तेरा तेरा कह के मोदी खाना सारा ही लुटा देता उस दिहाड़े। और मुखो तेरा तेरा बोली जाती है बाबा श्री चंद महाराज के जन्म की खुशी में ऐसी खुशी मनाई धन गुरु गुरु नानक देव महाराज ने। गुरु नानक देव महाराज सवेरे सवेरे ते मोदी खाने चले जाते सन, उस तो पहले अपनी साधना विच बैठ रहे सन और जपजी साहब दे विच उन्होंने एक विचार दिता। डॉक्टर दर्शन सिंह ने एक बार अपनी एक वार्ता विच गल कही सी कि पंजाब की खुशहाली का जिहड़ा सब तो वड्डा कारण है वो गुरु नानक देव महाराज ने जिहड़ी एक दिशा दित्ती पंजाबी नूं वो ए सी अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। अमृत वेले उठ अमृत वेला संभाल, अमृत वेले उठ के पंजाब का किसान परमेश्वर का नाम जपदा काली शरण सिमर प्रभ अपना मन तन पहे रहोगा, पर परमेश्वर का नाम भी कितनी देर तक जपदा। फिर जरा गुरु नानक देव महाराज ने संदेश दिता किरत विरत कर धर्म दी, पर गुरु नानक देव महाराज के तीन सिद्धांत नाम जपो वंड के छको ते किरत करो
किरत विरत कर धर्म की किरत भी साड़ी ऐसी हो जिस दे विच असी धर्म तो बेमुख ना हो। बहुत सारे कारोबार हैं संसार दे विच, कुछ एहोजे कारोबार हैं जिहड़े कारोबार दे विच असी झूठ तो बच नहीं सकते, कुछ एहोजे कारोबार हैं जिस दे विच हिंसा होंदी है, मनुख धर्म तो बेमुख हो जाता है ते किरती। पर किरत भी ऐसी की जाए जिस दे नाल बंदा धर्म तो बेमुख ना होए, धर्म की भावना उसके मन में सदा बनी रहे। गुरु नानक देव महाराज ने किरत का भी सुनेहा दिता ते पंजाब दा किसान अमृत वेले उठता, खेती बाड़ी दे काम करता, हल वाहुंदा ते फिर पहले अमृत वेले परमेश्वर का नाम जपदा और फिर अपना संसार का काम काज करके भी 10 बजे वेला हो जाता। अज भी पंजाब दे लोग दूजी स्टेटां दे मुकाबले सवेरे जल्दी उठन वाले हैं, दोपहर बड़ी देर तक लोग सोते रहते हैं, 9, 10, 11, 12 बजे 1 बजे। महापुरख स्वामी शिवदास महाराज सूरजमुखी क्या करते सन यह जे लोगों जेडे सूरज वेख के ही उठते हैं लो विचार। गुरु नानक देव महाराज ने अमृत वेले की गल की, एक गल कही करमी आवे कपड़ा, एक कपड़ा जेड़ा मनुखी शरीर है तेरे चंगे कर्मा करके तेनू मिलिया है, तू कोई चंगे कर्म किए ते उस दे बदले तू मनुखी देह नू प्राप्त कर सकिया है। नर तन सम नहीं कवनी हो देही, मनुखा देही समान कोई देही नहीं है। करमी आवे कपड़ा, कपड़ा है ये मनुखी दे, पर हूं परमेश्वर की नजर हो जाए तेरे ते, तेरे ते मेहर हो जाए, तेरे ते उसकी कृपा हो जाए। करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, तेरे लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, बंधना तो मुक्त हो जाएगा जो उस परमेश्वर की तेरे ते मेहर हो जाए। पर तू सत्कर्म करेगा, परमेश्वर नाम जपेगा, शुभ कर्म करेगा। गुरु नानक देव महाराज ने संसार की रमत की, बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सचा टोआ, एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है गुरु नानक देव महाराज की। उन्होंने नाल मरदाना सी एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। गुरु नानक देव महाराज कितने गए, उथे के लोगों ने सत्कार नहीं किया, उतों के लोगों ने अपमान किया, गुरु नानक देव महाराज चुप करके चले गए। किसी वेले कोई ऐसी अवस्था होती है जिथे बंदा चुप ही कर जाए, एक चुप 100 सुख वाली गल है। लोगों ने यह किया उतों के लोगों को क्या वसते रहो, पर उथे गुरु नानक देव महाराज बोले नहीं। लोगों ने अपमान किया, लोगों ने निरादर किया, बैठन की थान नहीं दिती, कुछ भोजन आदि नहीं पूछा। अतिथि सेवा का उन्होंने मन में भाव नहीं सी, कल मैं अतिथि सेवा की गल की सी धन धन स्वामी प्रीतम दास महाराज के बरसी समागम के संबंध में, उन्होंने जीवन संदर्भ के अतिथि सेवना सेवा की भावना साढ़े मन में कि होवे, साढ़े द्वार पर कोई आवे, साड़ी कोशिश हो कि असी उसकी कुछ सेवा कर सकीए, उसके उसके मन में प्रसन्नता मिलेगी। कोई आएगा उसनू पानी पिला देंगे खुश हो जाएगा। साडे एक संत सन इत्थे बाबा राम टहल दास कबीर साहब, असीं उन्हां सारिआं नूं कहिंदे सन, उह इक गल करदे सी, आओ बैठ पियो पानी। कोई आया उसने कहा आओ जी, उसका मन प्रसन्न हो गया, बैठो जी होर प्रसन्न हो गया, आओ बैठ पियो पानी। उसने असीं कहा पानी पियो, पानी पिला लेता, कुछ नहीं असी किया उसनों, कुछ अपने घरों कुछ नहीं खुआया, आओ बैठ पियो पानी। तो बाबा जी बोलते सन ये तीनों नहीं मोल बिकानी, कहने लगे कोई मोल बिक दे, असी प्यार नाल उसने बुला देता, आओ बैठो जी। किसी नाल प्यार करना सीखिए जीवन दे विच, ते सामने वाला होर कुछ नहीं दुआ करेगा तेरे लिए, उसकी की दुआ तेरे जीवन विच खुशियां ले आएगी, तेरे जीवन विच खेड़े ले आएगी, तेरे जीवन विच आनंद मंगल हो जाएगा। ते गुरु नानक देव महाराज
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਵੇਦਤ ਦੁਰਮਤ ਕੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਠੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਓ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਜੜ ਜਾਓ। ਦਹ ਦਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੀ ਕੁੰਡ ਹਨ, ਚਾਰ ਕੋਨੇ ਹਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਕੋਣ, ਵਾਯਵ ਕੋਣ, ਅਗਨੇ ਕੋਣ ਅਤੇ ਨੈਰਿਤਯ ਕੋਣ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦਹ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਚਾਰੇ ਕੋਨੇ ਔਰ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਔਰ ਚਾਰ ਗੋਨੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਆਪ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਗੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਵੀਰ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਉਸਦੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ। ਸੰਕੇਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਵਾਨ ਢਾਏ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਉਸਨੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਾਪ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਵਾਨ ਢਾਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਰਹੇ, ਚੱਪੀ ਆਪੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸਤ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾ ਨੇ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,
और फिर करतारपुर की धरती ते आके खेती बाड़ी कीती। ये बड़ा औखा काम है खेती का, और आज बड़ी चिंता का विषय है कि खेती करने वाला ही बेचारा परेशानी की अवस्था में है, जिसनों असि अन्नदाता आखते हैं। सारे कामों के विचों उत्तम काम है खेती, और गुरु नानक देव महाराज ने आप खेती की। पर जो खेती करने वाला है, जो अन्नदाता है, वही बेचारा परेशान हो गया तो फिर की बनेगा? ये देश विश्व गुरु बनिया तो ऐसे नहीं कि यह कृषि प्रधान देश सी, इसनों सोने की चिड़िया बनने का मान प्राप्त होया तो ऐसे नहीं कि एक कृषि प्रधान देश सी। जब तक कृषि की प्रधानता रही तब तक इस देश की GDP बहुत उपर सी। एक वेले 25 तो उत्ते इसकी GDP सी, पर जिमें जिमें कृषि तो असं हटते जा रहे हैं, जिमें जिमें ऐसे हालात बन रहे हैं, संकट की अवस्था आ रही है। सतगुरु कृपा करन बाणी विच ते बहुत गल कीती है। इस संबंध विच सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने एक गल कीती, सबे जी समाज अपनी मेहर कर अन्न पानी मुच उपाए, दुख दालद भन धन। सारे दुख दलिद्र दूर हो जाएंगे जे साडे कोल अन्न धन की बहुलता होगी, साडे कोल किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। सतगुरु कृपा कर रहो विचार विच गुरु नानक देव महाराज ने खेती बाड़ी कीती, और फिर इतों ही एक बार उन्होंने मन में संकल्प होया, क्योंकि गुरु नानक देव महाराज ने जीवन के बहुत सारिया यात्रावां कीतियां सन। यात्रावां के दौरान ही मनुखी चेतना लैके आती, एक जागृति लैके आती। सज्जन ने कहा तू सज्जन वाले काम कर। उसने धर्मशाला ऐसी बनाई हुई सी जिस दे विच ठाकुर द्वारा भी सी, मस्जिद भी सी, कोई भी आंदा सी उसके पास धर्मशाला दे विच रहे, अपनी पूजा पद्धति अनुसार पूजा करे। उसने ऐसा स्वरूप बनाया सी, पर पूजा करन जिहड़ा भी आंदा सी, जिहड़ा भी उसके पास मुसाफर आंदा सी, उसनू ओ मार दिंदा सी। ते गुरु नानक देव महाराज ने उसने भी चेताया, नहीं सज्जन शुभ कर्म कर, नाम सज्जन होवे ते दुर्जन वाले काम होने गल नहीं बनेगी। गुरु नानक देव महाराज क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने रम्मत विच बिताई, 32 साल की उम्र तो बाद उन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा समा रम्मत विच बतीत किया, 4 उदासियां कीतियां, ते करतारपुर की धरती ते आके फिर उन्होंने मन में एक विचार आया। शिवरात्रि का मेला सी अचल बटाले के स्थान पर, ते गुरु नानक देव महाराज ने कहा चलो उत्थे भी हो आइए, मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल बटाले जाई। अचल बटाले दे स्थान ते जाके सिद्धा दे नाल गुरु नानक देव महाराज ने गोष्ठ कीती, विचार कीती, जीवन दे विच विचार करिए। उस बाणी दा पवित्र नाम है सिद्ध गोष्ठ, सतगुरु दी बाणी दे विच जिथे सिद्ध लोग बैठे सन, सिद्ध सभा कर आसन बैठे, संत सभा जय करो। गुरु नानक देव महाराज उठे गए, संतां दी जय जयकार होए, उठे जा ऐसा स्लोगन दिता, सिद्ध गोष्ठ चाट की। गुरु नानक देव महाराज मक्के भी गए, और उठे जो उन्होंने को यह पूछा गया कि हिंदू वड्डा है कि मुसलमान वड्डा है, गुरु नानक देव महाराज ने कहा शुभ अबला बाजू दोनों रोई, पुछन भोर किताब नू, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। बाबा आखे हाजिया शुभ अमला बाजू दोनों, वाह नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। गुरु नानक देव महाराज नू हिंदुआ ने भी मनिया, मुसलमाना ने भी मनिया, तिब्बतियां ने भी मनिया, उन्होंने गुरु नानक लामा लामा कह के संबोधन किया। और तिब्बतियां को पूछा गया लामा तुसी की शब्द आखदे हो, वो कहने लगे जिस नू तुसी भगवान। ते गुरु नानक साहब ने जो अपने अंतम समय की गल कर दी, कह लगे तुहाडा अंतम क्रिया किस ढंग नाल कीती जाए, क्योंकि तुहानू दोवें मिलदे पैरोकार, तुहाडे दोवें
गुरु नानक देव महाराज ने कहा दोवें पासे तुसीं खड़े हो जाना, जिस पासे तुहानू हरियावल नजर आए बस उहो साडा स्वरूप है। ते गुरु नानक देव महाराज जदों जोत लीन होए, जदों जोत विच जोत समाई, वह चादर जदों उठाई गई ते उत्थे कोई देह है ही नहीं सी, उत्थे ते फुल ही फुल सन और फुल हरे भरे वनस्पति। इस रूप विच वह नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर, गुरु नानक देव महाराज संसार ते आए, संसार दे विच जागृति लेके आंदी उन्होंने और मनुखी चेतना लेके आती। अज गुरु नानक साहब का आगमन पूर्व आप सारी संगत को बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। सतनाम श्री वाहेगुरु।